प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास नेशनल वॉर मेमोरियम का उद्घाटन यानी कि इनॉग्रेशन किया है, जो शहीद जवानों की याद में बनाया गया है। इस मेमोरियल को उन 25,942 जवानों की याद में बनाया गया है जो आज़ादी के बाद लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान मारे गए थे और देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी। और इस नेशनल वॉर मेमोरियल में जल सेना, थल सेना और वायु सेना के जवानों को भी श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट दी गई है। इसका उद्घाटन पहले जनवरी में होना था, लेकिन कुछ वजहों से इसका उद्घाटन जनवरी में नहीं हो पाया। इस मेमोरियल को बनाने का जो टोटल कॉस्ट है वो 170 करोड़ रुपए आई है। और इसे 1961 से इस तरह के मेमोरियल को बनाने का विचार किया जा रहा था, लेकिन सरकारें आती रहीं जाती रहीं, इस बात पर किसी ने तवज्जो नहीं दिया। और करीब 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको बनाने के लिए मंजूरी दे दी और आज वो मेमोरियल बनकर के तैयार है। लेकिन अब आप लोगों के मन में एक सवाल तो होगा कि इंडिया गेट, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई मौकों पर जाकर के शहीदों को ट्रिब्यूट देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, तो नेशनल वॉर मेमोरियल क्यों बनाया गया? ये सवाल आम जनता के मन में होगा और आपके भी दिमाग में आएगा। इंडिया गेट को बनाने की नींव 1921 में रखी गई थी, जो 12 फरवरी 1931 को बनकर के तैयार हो गया था। इंडिया गेट 70,000 शहीद सैनिकों की यादों में बनाया गया था, जिस पर करीब 13,300 शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। और आप सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स ने भारतीय जवानों की याद में इस इंडिया गेट को बनाया था, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 अफगान कैंपेन के टाइम अपनी जान गंवाई थी। लेकिन नेशनल वॉर मेमोरियल उन 25,942 जवानों की याद में बनाया गया है जिन्होंने आज़ादी के बाद देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। इस पर भी शहीद जवानों के नाम लिखे हुए होंगे। और अब ये 25,942 जवान कौन हैं? 1962 में भारत और चाइना के बीच वॉर हुआ था। 1947, 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध, 1999 में कारगिल युद्ध और कई तरह के ऑपरेशंस हुए हैं, शहीद हुए हैं जवान, तो उन सभी के नाम इसमें शामिल है। वैसे तो सेना के पास करीब 120 युद्ध स्मारक यानी कि वॉर मेमोरियल हैं, लेकिन सब अलग अलग जगहों पर हैं। भारत के पास अभी तक अपना कोई एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी कि नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था, जो अब बन चुका है। और मैं आपको बता दूं कि इसे कई देशों में वॉर मेमोरियल पहले से ही मौजूद हैं। भारत में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा मेमोरियल बनाया गया है, जिसके घोषणा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद की थी। और प्रधानमंत्री बनने के 1 साल बाद नरेंद्र मोदी ने इस वॉर मेमोरियल बनाने की बात कही थी। इसके बाद इस पर काम शुरू होता है और आज बन करके तैयार हो जाता है। अब यह बनकर तैयार है और इंडिया गेट पर अब 2 अमर ज्योति होंगी। इस नेशनल वॉर मेमोरियल को देखना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, तो आपके लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं है। यह सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक नवंबर से लेकर मार्च और सुबह 9 से 7:30 तक अप्रैल टू अक्टूबर खुला रहेगा। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। नमस्कार।